कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI पाठशाला में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं और जो कैंडिडेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास करंट अफेयर हैं जो कि BHEL, VAIL, SAIL, GAIL और लोको पायलट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण हैं। तो चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में 70% का तो टेक्निकल आता है, लेकिन 25% में से 5% करंट अफेयर्स आते हैं। तो उस 5% की कमी को पूरे करने के लिए हम साल 2019 का पहला वीडियो आपके सामने करंट अफेयर्स का अपलोड करने जा रहे हैं। जो भी हमारे साथी हैं, यदि वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेक्निकल फील्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, बिना देरी करें हम आगे चलते हैं। मेरा नाम है तरुण साहू। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी आपको यहाँ पर बताना है कि सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, नामिता गोखले। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत दिनों के बाद या कई अर्सों के बाद यह अवार्ड किसी को दिया गया है, सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार। तो अब यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन उठ सकता है कि सुशीला देवी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। तो यहाँ से आप दे सकते हैं जवाब, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं सुशीला जी को तो आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं नामिता गोखले जी। आप इनके बारे में कुछ हम जानकारी देना चाहते हैं। लेखिका नामिता गोखले ने अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है, यानी उनको थिंग्स टू लीव बिहाइंड नामक उपन्यास लिखने के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। और यह भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के उद्घाटन संस्करण में उन्हें बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन रिटन बाय ए वूमन से सम्मानित किया गया है दोस्तों, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने और आने के ज़्यादा चांसेस हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है, तो है दोस्तों सिक्किम सरकार। अंडरस्टैंड दैट, व्हाट इज सी यू सिक्किम गवर्नमेंट। आगे चलते हैं सिक्किम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ। इसकी राजधानी है गंगटोक। इनके वर्तमान मुख्यमंत्री है पवन कुमार चामलिंग जी। वर्तमान राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है। इसके तहत गंगटोक में प्रत्येक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी आवंटित की गई है। ठीक है ना, ये सिर्फ स्टेट के लिए है ना, सिर्फ स्टेट के लिए। यदि उसी फैमिली में से कोई सेंट्रल की जॉब में है तो वो रह सकते हैं, लेकिन एक फैमिली से एक ही व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हो सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, हाँ आपके समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, 12 विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए नई भर्तियाँ निकाली गई थी। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि वन फैमिली वन जॉब योजना सिक्किम गवर्नमेंट ने शुरू की और किस राज्य में शुरू हुई है, तो सिक्किम में। चलिए, किसने की इसकी शुरुआत, पवन कुमार चामलिंग जी जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस प्रकार सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि खेती और कृषि के क्षेत्र में सभी ऋण रद्द किए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स की ओर। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम का समापन हो गया है, इट इज एंड, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, है ना। एमपी का तो दूर दूर तक नंबर नहीं है। खेलो इंडिया में महाराष्ट्र सबसे नंबर वन पर रहा। उसके बारे में कुछ जानकारी थोड़ी सी, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था दोस्तों।
इसकी राजधानी है मुंबई और वर्तमान मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी और इनके राज्यपाल हैं विद्यासागर राव जी पुणे में। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो वो है पुणे में। पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 37 स्वर्ण पदक के साथ महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके पास 37 स्वर्ण 31 रजक और 43 कांस्य के साथ 111 पदक थे। आई रिपीट अगेन, इसके पास 37 गोल्ड 31 रजक और 43 कांस्य के साथ 111 पदक थे। टोटल 111 पदक जीते हैं इन्होंने। दिल्ली 35 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा और हरियाणा भी 29 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसकी इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसमें 10 वर्षीय अभिनव शाह शूटिंग में सबसे कम आयु के स्वर्ण पदक विजेता बने। 10 वर्ष के बालक अभिनव शाह शूटिंग के सबसे कम आयु के स्वर्ण पदक विजेता बने। उन्होंने मेहुली घोष के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल को 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा जीतने में मदद की। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य में हो रही राजस्व की कमी के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राज्य में हो रही राजस्व की कमी के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों सुशील मोदी को बनाया गया है, ठीक है ना? आप समझ सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है, ललित मोदी भी है, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, तो इसका राइट आंसर है सुशील मोदी। सारे मोदी ही मोदी दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये हैं सुशील मोदी जी, है ना? और इनके लिए इम्पोर्टेंट बात, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी GST लागू होने के बाद राज्यों में हो रही राजस्व की कमी की निगरानी और संग्रह में वृद्धि के लिए सुझाव हेतु गठित 7 सदस्यीय समिति का नेतृत्व करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की अध्यक्षता में और राज्य मंत्रियों के साथ GST परिषद ने 22 दिसंबर 2018 को जुलाई 2017 से राज्यों द्वारा राजस्व संग्रह की कमी के कारण का विश्लेषण करने के लिए मंत्रियों का एक समूह GOM का गठन करने का निर्णय लिया था, ठीक है? उसके अध्यक्ष हैं सुशील मोदी। चलते हैं अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, है ना? सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 10% का आरक्षण लागू करने वाला, रिजर्वेशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। चूंकि आप जानते हैं जनरल कैटेगरी को कोई भी आरक्षण नहीं होता है, लेकिन गुजरात एक ऐसा पहला राज्य है जिसने जनरल कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन दिया है। आगे चलते हैं, गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। इसकी राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी है। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली जी। गुजरात सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह फैसला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर अपनी सहमति देने के एक दिन बाद बताया था, ठीक है? गुजरात के CM विजय रूपाणी ने कहा कि यह उन नौकरियों पर भी लागू होगा जिनके लिए घोषणा की गई है, लेकिन अभी बाकी प्रोसेस बाकी है। आगे चलते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डेनियल कैलहन को नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं डेनियल कैलहन को, है ना? और अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या है। भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में जॉन कैलहन को नियुक्त किया है। वह चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सिटी ग्रुप के ऑप्शंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमुख थे। पहले सिटी की ऑपरेटिंग कमेटी के सदस्य थे, ठीक है फ्रेंड्स? अगला प्रश्न है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग मतलब PBL प्रीमियर बैडमिंटन लीग खिताब किसने जीता? तो बेंगलुरु रैप्टर्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये है बेंगलुरु रैप्टर्स टीम चैंपियन 2001। बेंगलुरु रैप्टर्स ने अपना पहला प्रीमियर बैडमिंटन लीग PBL खिताब जीता है। बेंगलुरु में खेले गए खिताबी मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई रॉकेट्स को 4-3 से हराकर
जीत दर्ज की है। स्टार खिलाड़ी किदंबी श्रीकांत, बूजी ट्रेंग और मैच डबल्स की जोड़ी मोहम्मद एहसान और हितेंद्र सातियावान ने अपनी मैच जीतकर बेंगलुरु को जीत दिलाई। अगला, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम आयु के भारतीय कौन बने हैं? जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम आयु के भारतीय कौन हैं? तो कार्तिक सिंह सबसे कम आयु के दोस्तों, है ना, ये हैं कार्तिक सिंह। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गुड़गांव के हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। ये गोल्फ खेलते हैं, इनका ये गोल्फ खेलता हुआ ये पिक, और ये हैं पदक विजेता, है ना, जूनियर वर्ल्ड कप। गुड़गांव के 8 वर्षीय कार्तिक सिंह ने मलेशिया के यूएसए किड्स गोल द्वारा आयोजित अंडर 8 वर्ग यानी 8 साल से नीचे या 8 साल के बच्चों में किड्स गोल वर्ल्ड चैंपियन जीती है। यह खिताब जीतने वाले सबसे कम आयु के भारतीय बन गए हैं, इंडियंस हैं, है ना, गुड़गांव। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का शुभारंभ किसने किया? युवा सांसद महोत्सव राजवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। चलिए, ये है राजवर्धन सिंह राठौड़, चूँकि ये आर्मी मैन रह चुके हैं पहले, इनके बारे में देखते हैं थोड़ी सी जानकारी। युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल लगा है इनके नाम के सामने, ठीक है ना। राजवर्धन राठौड़ ने नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2019 का शुभारंभ किया, और समारोह का विषय है वी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। मंत्रालय ने देश के प्रत्येक जिले में युवा महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया है ताकि 18 से 25 वर्ष के बीच में युवा भाग ले सके, न्यू इंडिया बनाने के बारे में चर्चा और बहस कर सके, यानी बातें कर सके, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंशियल पुरस्कार हाईलाइट करिए, प्रेसिडेंशियल पुरस्कार, है ना, तो सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर पेंस प्रेसिडेंशियल पुरस्कार प्राप्त किया है। पुरस्कार लोगो, लाभ और ग्रह की ट्रिपल बॉटम लाइन पर केंद्रित है। यह प्रतिवर्ष एक राष्ट्र के नेता को प्रदान किया जाता है। उदाहरण में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी पहलों का उल्लेख है। क्यों दिया गया है? इन सभी योजनाओं के लिए प्रोफेसर फिलिप कोटलर नॉर्थन वेस्टर्न यूनिवर्सिटी केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की मार्केटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। अपनी अस्वस्थता के कारण उन्होंने पुरस्कार प्रदान करने के लिए जॉर्जिया अमेरिका के एमोरी विश्वविद्यालय के डॉक्टर जगदीश सेठ को नियुक्त किया है। आपको दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको देना है। इसके जवाब आप कमेंट्स बॉक्स पर करके बताइए। और हमारे द्वारा यह अपलोड किया गया करंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट की किसी भी एग्जाम में काम आएगा, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ITI पाठशाला एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो ना फ्रेंड्स। तो यह क्वेश्चन है, आप सुन लीजिए, इसका जवाब आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है ना, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।